वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि हमारे जो ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, उनको एक ऑर्डर कैसे मिला, कैसे दोस्तों उनके एक फ्रेंड ने उनको सदर्न इराक में एक कुछ लोकल अरब से एक ऑर्डर दिलवाया। दोस्तों, अब आगे हम जानने वाले हैं कि कैसे हमारे जो ऑथर हैं वो इस ऑर्डर को और जानेंगे, इसकी एक्टिविटीज को समझेंगे, इसकी शैतानियों को देखेंगे। तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may for all I know not end before I do. देखिए यहाँ पे ऑथर कहते हैं दोस्तों कि जैसे ही उन दो लोकल अरब ने अपना वो दोस्तों जो बोरी थी उसको खोला, उस सैक को खोला, उसमें से एक ऑर्डर निकला। और दोस्तों, ये जो फेज है, ये फेज उनकी लाइफ का अभी तक चल रहा है, वो ऑर्डर आज भी उनके साथ है। और ऑथर को लगता है कि ये जो फेज है ये उनका उनके मरने से पहले तो खत्म नहीं होने वाला, मतलब कि ये जो ऑर्डर है ये हमारे ऑथर का साथ नहीं छोड़ने वाला है। बहुत ही एक अच्छी जर्नी इनकी बन गई है, उसी जर्नी को समझते हैं दोस्तों। देखिए, इट इज इन इफेक्ट अ थ्रॉलडॉम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। देखिए दोस्तों, हमारे ऑथर बताते हैं कि जिस भी पर्सन ने कभी ऑटर को एक पेट एनिमल बनाया है दोस्तों, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा ऑटर से क्लोजली अटैच्ड हो गया है। और यही जो क्लोजनेस है, डिपेंडेंस है दोस्तों, इसी को थ्रॉलडम का नाम दिया गया है। थ्रॉलडम मतलब बीइंग अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटर, इतना ज्यादा ऑटर से प्यार होने लग जाता है। The creature that emerged from this sack onto the spatial tight floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. देखिए यहाँ पे हमारे ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि जब वो सैक खुला उसमें से ऑर्डर बाहर आया। दोस्तों, वो एम्बेसी का बेडरूम है जिसके अंदर वो ऑर्डर अब घूमने लगा है। दोस्तों, हमारे ऑथर को वो जो ऑर्डर है वो मिडीवली कंसीव ड्रैगन जैसा लगा, यानी कि दोस्तों जो पुराना जमाना था, मिडल एजेस थी, उस टाइम दोस्तों जो ड्रैगन हुआ करते थे वैसा यहाँ पे ऑर्डर देखने में लगा हमारे ऑथर को। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. हमारे यहाँ पे जो राइटर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ये जो ऑर्डर है, ये दोस्तों इसने एक आर्मर पहना हुआ था। आर्मर मतलब एक अपनी पूरी बॉडी पे प्रोटेक्टिव दोस्तों एक लेयरिंग पहनी हुई थी, और वो लेयरिंग थी मड की। इसकी पूरी बॉडी पे बहुत सारे जो पॉइंटेड स्केल्स हैं, पैटर्न्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बिटवीन दोस टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। देखिए दोस्तों, एक रैट में, रैट जैसा जो एनिमल होता है उसको मोल भी कहा जाता है, तो एक मोल में दोस्तों जो सॉफ्ट वेलवेट फर होता है, जो उसका सॉफ्ट फर होता है, वैसा भी दिखाई दे रहा है उसके दो टिप्स के बीच में। तो ये भी चीज उसकी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है हमारे राइटर को। He shook himself and I half expected a cloud of dust. देखिए दोस्तों, एकदम क्या हुआ, वो जो ऑटर है उसने अपने आप को दोस्तों शेक किया कि उसकी जो मिट्टी है वो गिर जाए। दोस्तों, हमारे ऑथर ने, यहां पे हमारे राइटर ने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे ही ऑटर खुद को शेक करेगा सारी मिट्टी गिर जाएगी, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर As it were in his true colors. देखिए दोस्तों, हमारे ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। ऑथर को यहाँ पे दोस्तों एक महीना लगा, राइटर को एक महीना लगा ऑटर को बिल्कुल साफ करने में, उस पे सारी जो मिट्टी लगी हुई थी उसको उतारने में। दोस्तों, इससे पता चलता है कि जो ऑटर है वो कितने टाइम से मिट्टी में रह रहा था, कि उसकी बॉडी पे वो मिट्टी एक तरीके से दोस्तों परमानेंट लेयर की तरह वहां पे बैठ गई थी। Midgebill, as I called the otter, was in fact of race previously unknown to science. हमारे यहाँ पे राइटर बताते हैं कि दोस्तों ये जो otter है, otter दोस्तों जिस फैमिली से बिलोंग करता है एनिमल्स की, वो पहले साइंस में दोस्तों डिफाइंड नहीं थी, पर फिर क्या हुआ, एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टाइन बाय zoologist. दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ zoologist ने इस एनिमल को ढूंढा और फिर इसका नाम रखा, क्रिस्टाइन मतलब इसका नाम रखा गया otter. दोस्तों, वो कौन से zoologist थे, देखिये हमें उनका नाम गिवन है, लूथ्रोगेल पेर्सपिसिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। दोस्तों, हमें ये पूरा नाम गिवन है और इसको शॉर्ट में मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से जाना जाता है। तो हमें समझ आ गया कि ये ऑटर की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिचबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। दोस्तों, जब ये ऑर्डर अब हमारे राइटर के साथ रहने लग गया है, गेविन के साथ रहने लग गया है, दोस्तों बहुत टाइम तक तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है वो ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं था, ज्यादा हॉस्टाइल भी नहीं था, मतलब कि चुप भी नहीं बैठ रहा है, पर बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरैक्ट भी नहीं कर रहा है। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट। दोस्तों, ये सिंपली
भी अकेला बैठा था और फिर कंफ्यूज था कि आसपास क्या हो रहा है। चूजिंग टू स्लीप ऑन फ्लोर एज फार एज माई बेड एज पॉसिबल, उसने क्या किया, यहाँ पे गेविन हमारे राइटर के बेड से बिल्कुल दूर वो बैठ कर दोस्तों सो रहा था, मतलब कि अभी दोस्ती उसने राइटर से नहीं की है। द सेकेंड नाइट मिचबिल केम ऑन टू माई बेड इन स्मॉल आवर्स एंड रिमेन स्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपथी एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। देखिए दोस्तों कैसे बताया गया है कि पूरे दिन क्या हुआ वहां पे दोस्तों, जो यहाँ पे सेकेंड नाइट थी दोस्तों, दूसरी रात को मिचबिल राइटर के बेड पर आ गया। दोस्तों राइटर का जो क्रूक था, क्रूक मतलब राइटर की बैक पर सपोर्ट लेकर वो सो गया और वो तब तक सोता रहा जब तक सर्वेंट सुबह दोस्तों चाय नहीं लाया। और वो जो दिन था दोस्तों, उस दिन धीरे धीरे यहाँ पे जो एपिथी मतलब कि यहाँ पे दोस्तों जो इंटरेस्ट था, फाइनली यहाँ पे ऑटर को थोड़ा सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट आने लगा और इतना इंटरेस्ट आने लगा कि वो बहुत ज्यादा मूव करने लगा है, काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू बाथरूम। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे राइटर ने क्या किया, उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई, मतलब कि उसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाया और उसको वो बाथरूम लेके गए दोस्तों नहलाने के लिए। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन वाटर प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। देखिए वहां पे दोस्तों बाथरूम में जाने के बाद बहुत अच्छे से वो नहाया, उसने बहुत सारी वहां पे शैतानियां करी, वो कूदता रहा और एक हिप्पो की तरह वो बहुत ज्यादा वहां पे पानी में खेला। This I was to learn is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. देखिए दोस्तों पूरा सीन डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे हमारे राइटर को समझ आया कि ऑटर की दोस्तों ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनको पानी से बहुत ज्यादा प्यार है, वो पानी में बहुत ज्यादा खेलते हैं। अगर दोस्तों एक पानी का बोल रखा हुआ है तो उसको उल्टा करना ही होगा, अगर उल्टा नहीं करना है तो उस पानी के बोल के अंदर कूद के उसमें से पानी को बाहर निकालना होगा, मतलब कि पानी स्टिल नहीं रहना चाहिए, ऑटर की लाइफ का यही गोल है दोस्तों। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। देखिए यहाँ पे दोस्तों माना जाता है कि ऑटर्स के लिए, ये जो नया एनिमल है दोस्तों, इनके लिए पानी जो है, पानी को हमेशा मूव करते रहना चाहिए। अगर वो स्टिल है मतलब कि वो वेस्ट हो रहा है, वो प्रोवोकिंग है मतलब कि जो वाटर है वो बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों इससे हमें समझ आता है कि ऑटर्स के लिए पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें वो कितना ज्यादा खेलते हैं। अगर पानी स्टिल है मतलब कि वो खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको मूव करना, स्प्लैश करना, उल्टा करना, ये सारी ऑटर्स की एक्टिविटी है जो कि वो हर बारी करना चाहते हैं। टू डेज लेटर Mitchell escaped from my bedroom as I entered it and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. देखिए दोस्तों दो दिन बाद हमारे जब ऑथर अपने रूम के अंदर आए, जो मिचबिल है वो एकदम से दोस्तों भागने लगा और फिर वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। हमारे राइटर ने उसकी टेल को बाथरूम की तरफ जाते हुए बिल्कुल देख लिया। By the time I got there, he was up on the edge of the bathtub and fumbling at the chromium tap with his paws. देखिए दोस्तों जैसे हमारे जो राइटर हैं वो बाथरूम के अंदर गए, उन्होंने क्या देखा कि जो मिचबिल है, ये जो ऑटर है, ये बिल्कुल जो बाथटब है उसके एंड पर दोस्तों बैठा हुआ है और वहां पे जो क्रोमियम दोस्तों एलॉय से बनी जो सुंदर टैप्स हैं वो उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दोस्तों वो बहुत ज्यादा टैप के साथ भी खेल रहा है कि उसमें से फिर पानी निकलेगा, क्योंकि टैप के अंदर भी पानी रुका हुआ है और पानी को रोकना नहीं है, वो हमेशा मूव करते रहना चाहिए, इसीलिए वो टैप के साथ भी खेलने लग गया है। आई वॉच्ड अमेज्ड, लेस देन अ मिनट ही turned the tap far enough to produce trickle of water and after a moment and to achieve full flow. देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे राइटर देखते हैं बहुत ही ज्यादा अमेज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये जो छोटा सा मिचबिल है ये दोस्तों धीरे धीरे टैप को खोलने लग गया है, धीरे धीरे उसमें से पानी आ रहा है और फिर कुछ टाइम बाद उसने पूरी टैप को खोल दिया है, फुल फ्लो से अब पानी गिरने लगा है। He had been lucky to turn the tap right away. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chattering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. देखिए दोस्तों इस दिन यहाँ पे मिचबिल लकी था कि उससे टैप खुल गई, पानी आने लग गया, नहीं तो दोस्तों बहुत बारी हमारे राइटर डिस्क्राइब करते हैं कि जो मिचबिल है वो एक टैप को खोलने में लगे रहता था, बहुत ज्यादा इरिटेटेड और डिसअपॉइंटेड फील करता था कि वो जोर लगा रहा है फिर भी जो टैप है वो उससे नहीं खुल रही है। आज वो लकी था, टैप उससे खुल गई। वेरी सून मिच, अब दोस्तों यहाँ पे जो मिच है, मिचबिल को ही कहा गया है, उसका एक पेट नेम, उसका क्यूट नेम रख दिया है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी जो मिच है वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। दोस्तों धीरे धीरे मिचबिल को अपना नाम भी समझ आने लगा और जब भी मिचबिल वर्ड बोला जाता था वो एकदम भाग के आ जाता था।
He spent most of the time in play. ज़्यादा ना time वो खेलता रहता था. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player using all four feet to dribble the ball, and he could throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. देखिए दोस्तों, बताया गया है कि उसकी एक और activity है कि वो दोस्तों उल्टा लेट के अपने चारों पैर से ball को roll करता था, उसको dribble करता था, और उसको ये बहुत पसंद आता था. वो ball को बहुत ही तेजी से फेंकता था. Flick मतलब quick movement दोस्तों. उससे बहुत ज्यादा खेलता था और फिर उसको एक सरप्राइजिंग हाइट और डिस्टेंस तक वो मूव भी कर सकता था. यानी कि दोस्तों बॉल के साथ भी खेलना यहाँ पे मिचबेल को आ गया है. बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज. दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा मजा ऑटर को तभी आता है जब वो उल्टा लेट के अपने चारों पैरों से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रोल करता है, उल्टा लेट के खेलता है. तब दोस्तों ऑटर को सबसे ज्यादा मजा आता है. ये उसका फेवरेट पास टाइम भी बन जाता है. मार्बल्स वर मिड्स फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम. ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइट फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर. दोस्तों मिचबेल का सबसे फेवरेट पास टाइम क्या है कि वो मार्बल्स, दोस्तों मार्बल्स को वो अपने पैरों में रोल करता है. एक बारी में दो या उससे ज्यादा मार्बल्स को वो अपने फीट के बीच में रख के रोल करता है और कभी भी एक मार्बल को नीचे गिरने नहीं देता. यानी कि दोस्तों हमें पता चलता है कि ये जो मिचबेल है ये काफी ज्यादा शैतान भी है. दोस्तों अलग अलग इसकी एक्टिविटीज हैं, ये बहुत ज्यादा खेलता है, पानी से इसको बहुत ज्यादा प्यार है. हमने ये सारी चीजें आज के लेक्चर में स्टडी कर ली है. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पार्ट तो कंप्लीट हुआ, बट आगे हमें स्टडी करना है कि जब इस मिचबेल को दोस्तों प्लेन में रखा जाता है तब प्लेन में ये क्या एक्टिविटीज करता है, फ्लाइट में ये लोगों को कैसे परेशान करता है, फ्लाइट का जो क्रू है वो क्या डिसीजन लेता है. काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों नेक्स्ट हमारा पार्ट है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा. सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, पैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप.